ही बना लेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये संडे वाले ही व्लॉग का मेरा पार्ट टू है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जगह गए हुए थे और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं हाट कालिका। चलो दिखाते हैं आपको कैसा है ये मंदिर। मैं भी फर्स्ट बार आ रही हूँ आज। तो फ्रेंड्स, देखिए ये मंदिर काफ़ी सुंदर है और बड़ा भी है। यहाँ काफ़ी सारी घंटियाँ लगी हैं, छोटी बड़ी लाइन से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ लगाई हैं। और ये मंदिर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में आता है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही क्यों जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, वो प्रसाद छीन लेते हैं, इसलिए मुझे प्रसाद ऐसे छुपा के लिए जाना पड़ रहा है। और देखिए, हम मंदिर में जाने लगे हैं। कालिका माता का जो मंदिर है, हम पहले उसमें जा रहे हैं, वो मेन मंदिर है यहाँ का, कालिका माता। देखिए, हम पहुँच गए यहाँ पर, घंटी बजा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, तो हम भी उस लाइन में लगे हैं और उसके बाद फिर कालिका माता के दर्शन होंगे और प्रसाद वगैरह हम लोग चढ़ाएंगे। देखो, ये है कालिका माता और हम यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे और जगह यहाँ पर मंदिर में, काफ़ी सुंदर मंदिर है। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक बंदर बैठा हुआ है, ये प्रसाद खा रहा है। यहाँ काफ़ी सारे बंदर हैं और हम लोग यहाँ जा रहे हैं। यहाँ बाबा जी हैं, ये बबूती वगैरह लगाते हैं, तो हम यहाँ लगा रहे। देखिए कितना सुंदर ये मंदिर लग रहा है, ये मालाओं से सजा रखा है। हमने यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये मंदिर, काफ़ी सजा हुआ है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। अब हम यहाँ से निकल गए हैं और हम पहुँच गए पाताल भुवनेश्वर। ये भी पिथौरागढ़ ज़िले में ही आता है, बस ये और मंदिरों से थोड़ा अलग है। इसमें एक बड़ी सी गुफा होती है और इसके अंदर काफ़ी कुछ देखने को है। यहाँ आप देखने को बहुत चीज़ें हैं, जैसे ऐरावत हाथी हो गया, शेषनाग का फन और शिव जी की जटाएँ, काफ़ी देवी देवताएँ वगैरह हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स, देखिए अब हम ये गुफा में जा रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वीडियो बनाना थोड़ा यहाँ मुश्किल है, क्योंकि एक तो यहाँ फ़ोन भी लाउड नहीं है और यहाँ थोड़ा जाना भी बड़ा मुश्किल है। देखो, हम ऐसे जंजीर पकड़ के हमें यहाँ से जाना है, काफ़ी टफ हो रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ गए और हमने गुफाओं की गुफा के अंदर काफ़ी कुछ देखा है, हमें बड़ा अच्छा लगा। देखिए इस तरीके से यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। यहाँ से जाने लग गए हैं और यहाँ पे कुछ देखियो, जैसे ये सांप उल्टा होता है ना, तो दिखाई देता है उस टाइप से, तो वैसे ही दिख रहा है, यहाँ के गाइड से हमें बताया। और ये देखो, हम वापस जाने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हम मंदिर से वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके, बहुत शांति सी, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ।
कि मेरे हस्बैंड भी आ गए, ये भी फर्स्ट बार गए, इनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे लंच का ऑर्डर दे रहे हैं और देखिए यहाँ से व्यू कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। मैं आपको ये विंडो से दिखाती हूँ और ये है पाताल भुवनेश्वर जाने का रास्ता, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ। और बच्चे भी अपने लिए मेन्यू देख रहे हैं और यहाँ देखो कितनी पुरानी पुरानी सी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे पुराने ज़माने की डाड़ू पड़ियाँ और हल और हथौड़े, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें हैं पुरानी पुरानी सी। और हमारा लंच आ गया है, सब लोग को काफ़ी भूख भी लगी हुई थी तो हमने सिंपल सा लंच मंगाया है अपने लिए, उसे हम कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे। ओ वहाँ से भी कुछ जाएगी मालूम, दस ही चलेगा। एक मालूम को देता हूँ, इमरजेंसी के लिए मालूम जरूर जरूरत पड़ेगी। एक मेरे को भी दे दिया। दो तेरे पास है, दो मेरे पास। बात सुन ली एक। तो फ्रेंड्स हम घर के लिए निकल गए हैं यहाँ से और हमारा सफ़र होगा करीब 4-5 घंटे का है, इतना टाइम लग जाएगा हमको, जाते जाते अंधेरा ही हो जाएगा, करीब हम 8 बजे तक पहुँचेंगे अपने घर। तो ठीक है, फिर थोड़ा आगे का दिखाते हैं आपको और मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स अपनी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।